हेलो एवरीवन, फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, या मलाजमा यानी झाइयाँ जो है वो जाने का नाम ही नहीं लेती है, और दाग धब्बे फेस पे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, टैनिक हो गई है, अनइवन सी स्किन दिखने लग गई है, जैसे कहीं से लाइट दिख रही है, कहीं से डार्क दिख रही है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज मैं 7 डेज का चैलेंज आपके लिए लेके आई हूँ कि आप 7 डेज के अंदर अपनी स्किन को ग्लास स्किन बना सकते हो। और कंप्लीट वॉच करना, उससे पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, जो साथ में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लेना, और जितने भी इंग्रेडिएंट होंगे सारे आपको इजीली आपकी किचन में मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लांट का ही एलोवेरा जेल आपने लेना है, और जो इसका येलो सा पार्ट होता है आपने उसे निकाल लेना है, उसके बाद वॉश कर लेना है, और जो साइड के एजेस होते हैं उसे कट कर लेना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसे कट पीस में करना है। ये देख लीजिए, आपने इस तरह से कट कर लेना है, और आपने इसे रेगुलर यूज़ करना है अपनी स्किन के लिए। तो ये देख लीजिए, आपने इस तरह से इसे कट कर लेना है, और एक लीफ को मैं यहाँ पे ले लूँगी और इसे कट कर लूँगी, और बाकी को मैं फ्रिज में रख लूँगी और रेगुलर इसे लगाऊंगी। आपने भी इसी तरह से करना है, रेगुलर आपने एलोवेरा जेल को अपनी स्किन पे लगाना है, तभी आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसमें हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजर गुण होते हैं, जो स्किन को अल्ट्रावायरस किरणों से प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे स्किन ग्लोइंग होती है। किसी भी तरह के फेस पे दाग धब्बे हो, पिगमेंटेशन हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो ना, अगर आप रेगुलर एलोवेरा जेल को यूज़ करते हो तो कुछ ही दिनों में आपके सारे दाग धब्बे के साथ ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो आपने इसे रेगुलर यूज़ करना है। 7 डेज का ये चैलेंज है, आपने 7 डेज रेगुलर इसको करना है, और साथ में आपने पानी पीना है ज़्यादा से ज़्यादा, आपने हेल्दी फूड खाना है, बिल्कुल भी आपने जंक फूड को अवॉइड करना है, तभी आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। किसी तरह के दाग धब्बे हो, पिगमेंटेशन हो, झाइयाँ हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और इसको आपने लगा लेना है। और उसके बाद मैं आपको एक ऐसा फेस मास्क बताऊँगी जो आपकी स्किन से बिल्कुल दाग धब्बों को बिल्कुल ठीक कर देगी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उसे ठीक कर देगी। तो इस तरह से आपने उसे लगाना है, और लगाने के बाद अब मैं आपको एक फेस मास्क बताऊंगी जो आपने लगाना है। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी मसूर की दाल, और साथ में यहाँ पे मैंने उड़द की धूली ली है, ये मसूर की दाल है और साथ में उड़द की धूली ली है मैंने, और इसको पहले वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी और 4 घंटे के लिए इसे छोड़ दूंगी। मैंने 2-2 स्पून दोनों के लिए हैं, और 4 घंटे के लिए इसे छोड़ दिया, और जब ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद, ये देख लीजिए अच्छे से मिक्स हो गई है, और उसके बाद मैंने क्या करना है, इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गई है, उसके बाद इसे इसका एक हमने पेस्ट बनाना है, तो इसे मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। आप दोनों पल्सेस को एक साथ भी भिगो के रख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, ये देख लीजिए यहाँ पे ये ग्राइंड कर लिया है मैंने, और एक फाइन सा पेस्ट बन गया है, और इसको मैं एक बाउल के अंदर डाल दूंगी, और आपने उतना ही यूज़ करना है जितना आपको उस टाइम फेस पैक के लिए चाहिए। आपने बाकी क्या करना है, इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हो। तो आपने क्या करना है, एक डिब्बी में इसे डाल लीजिए, और रेगुलर आपने इसको यूज़ करना है, तो एक डिब्बी में 7 डेज के लिए यहाँ पे मैंने बनाया है, तो एक डिब्बी में इसे डाल लीजिए, और जितना आपको उस टाइम चाहिए उतना रख लीजिए, और इसको आपने फ्रिज के अंदर ही स्टोर करना है। और उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लेमन, और लेमन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपकी स्किन के लिए, क्योंकि इसमें एसिडिक गुण होता है, विटामिन सी होता है, जो किसी भी तरह के दाग धब्बों को दूर करता है और स्किन को ग्लोइंग और यंगर लुक देता है। और अब मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ कि आपने इसे किस तरह से अप्लाई करना है। जो हमारा यहाँ पे एलोवेरा जेल का लीफ था उसके साथ पहले क्या करना है, इसकी मसाज करनी है। देख लीजिए, इसके साथ ही आपने मसाज करनी है। इससे क्या होगा, एक तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होगी। मसूर दाल में जो होता है वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो स्किन से डेड स्किन को रिमूव करेगा, स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, सफल बनाएगा, और आपकी स्किन को इवन टोन देगा, और सारे काले दाग धब्बों को दूर करेगा। और जो इसके अंदर मैंने उड़द की धुली डाली थी उसमें भी प्रोटीन होता है, जो स्किन से किसी भी तरह के दाग धब्बों को दूर करने में हेल्प करता है, स्किन को ये ग्लोइंग बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, और साथ में टैनिक को दूर करेगा, अगर आपकी स्किन पे टैनिक रहती है टैनिक को ठीक करेगा। और इस तरह से आपने इसे पूरी मसाज करनी है इसके साथ, ये देख लीजिए, उसके बाद आपने इसे फेस पैक की तरह लगाना है, और 10 मिनट आपने इसे फेस पैक की तरह रहने देना, जब ये ड्राई हो जाए ना उसके बाद आपने वॉश कर लेना है अपने फेस को, उसके बाद आप अपना फेस देखोगे,
फर्स्ट डे में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। तो 7 डेज का ये चैलेंज है और 7 डेज के अंदर आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी और आपकी स्किन से किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है, आपने हेल्दी फूड लेना है। अगर आप ओमेगा 3 के कैप्सूल यानी फिश ऑयल ले सकते हो तो आप उसे भी लीजिए, जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए। तो अब मैं आपको मिलती हूँ 10 मिनट बाद और अब आप मेरी स्किन देख सकते हो कितनी ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है। और आपने भी इसी तरह से 7 डेज इसे करना है और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसके साथ मिलेंगे। दाग धब्बे हो, पिगमेंटेशन हो, हाई पिगमेंटेशन हो या फिर स्किन अनइवन हो, कुछ भी प्रॉब्लम फेस पे हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आप मेरी स्किन देख सकते हो और आपकी स्किन अगर लटक गई है, लूज़ हो गई है, तो ये अगर फाइन लाइन आपके फेस पे आ गई है तो ये आपकी स्किन को टाइट भी करेगा और अच्छा सा आपके फेस पे ग्लो लेके आएगा और ये ग्लो आपके हमेशा फेस पे रहेगा। उसके बाद क्या करना है, आपने एलोवेरा जेल अपने फेस पे लगा लेना है। अगर एलोवेरा जेल नहीं है मार्केट का तो आप कोई भी आपके पास मॉइस्चराइज़र है आपने उसे अपने फेस पे लगा लेना है। और 7 डेज का ये चैलेंज है और आपने इसे करना है और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कितना बेनिफिट मिला है इसका। आई होप आज की वीडियो आपके लिए रही होगी मेरी हेल्पफुल। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेमेडी के साथ।